अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जब अपने दफ्तर से वापस आ रहा था तो मेरे साथ एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ। मैं अमूमन काफ़ी लेट आता हूँ अपने दफ्तर से वापस, 11-12 बजे के बाद। आज भी वापस आ रहा था अपनी गाड़ी में और घर की तरफ गामजन था, तो मुझे एक खातून नजर आई रोड पे खड़ी हुई। उन्होंने हमारे जो टिपिकल कपड़े होते हैं वो नहीं पहने हुए थे, बज़ाहिर तो खैर खातून ही लग रही थी। तो मैंने बोला, यार मैं आजकल सुन रहा हूँ काफ़ी रेप केसेस वगैरह के बारे में, तो बीच रोड में खड़ी हुई हैं, शायद गाड़ी वाड़ी का इंतज़ार कर रही हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ अगर मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूँ। मैं उनके करीब लेके गया गाड़ी और तो वो आई शीशे पे यूँ करके, बोलना तो नहीं चाहिए पर शक्लन इतनी अच्छी भी नहीं थी वो, और शायद उन्होंने काफ़ी दिनों से थ्रेडिंग भी नहीं की थी। बहरहाल वो आई, मैंने शीशा नीचे किया तो उन्होंने बोला कि चलोगे? मैंने बोला जी मैं आपको ले चलता हूँ, तो वो फ़ौरन बैठ गई। मैंने गाड़ी चलाई तो फिर वो एकदम से मुझसे रेट की बात करना शुरू हो गई, रेट सेट करने की। मैंने बोला क्या मतलब रेट? आप मुझे बताएं आपने कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो वो गुस्सा हो गई, लड़ाई करना शुरू हो गई, कहती हैं कि नहीं तुमने मुझे उठाया, मुझे पैसे दो। मैं बोला पता नहीं, शायद मांगने वाली थी या क्या था, कोई स्कैम था। उनसे पूछा कितने पैसे? मुझसे 500 रुपये ले लिए उन्होंने कि इतने तो दो कम से कम, मुझे छोड़ो सही जगह पे वापस। बोला पता नहीं क्या हो रहा है यार मेरे साथ, एक तो बंदा भलाई करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मतलब ठीक है उनको पैसों की ज़रूरत है, मुझसे मांग लें, ऐसे तो ना करें, बदतमीज़ी से मांग रही हैं। बहरहाल तो फिर मैंने उनको पैसे दिए, थोड़ा आगे छोड़ा, मुझे कह रही जहाँ तुम्हें लेके जाना है मुझे ले चलो। भाई ऐसा थोड़ी होता है, आपको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ दूँगा। बहरहाल उनको फिर मैंने कहीं उतारा वापस, बल्कि घुमानी पड़ी मुझे गाड़ी और उतारना पड़ा, और फिर पता नहीं गालियाँ सुनते हुए मैं वापस आया हूँ। शायद पाकिस्तान में हमें लोगों को वाकई में हिचाइकर्स को नहीं उठाना चाहिए।